Educational policy in President's Ayub era Ayub Khan's military government accorded high priority to the educational reforms. Ye baat admit hogi ke Ayub Khan ki government Agarche uh, law based thi, lekin phir bhi education unki highest priorities. Se thi. This was because of the centrality of education in the construction of nationalism and its anticipated capacity to usher in modernity. और इसकी वजह एक बड़ी वजह यह है कि एजुकेशन का एक सेंट्रल रोल होता है जब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं यानी आगही देते हैं लोगों को एक कौम के तौर पे कि वो एक कौम किस तरह बन सकते हैं और एजुकेशन इससे जुदा नहीं हो सकती इस प्रोसेस से दूसरी बात मॉडर्निटी यानी लोगों के अंदर जिद्दत पैदा करने के लिए उनकी सोच का अंदाज बदलने के लिए भी एजुकेशन एक बहुत स्ट्रांग मीडियम जो है उसका किरदार अदा करती है और फिर अपने एक एड्रेस में एक में प्रेजिडेंट अयूबियों फरमाते हैं ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स वी द लास्ट 20 मंथ्स, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज द्लोजस्ट एंड डियरेस्ट टू माय हार्ट यानी पिछले बीस महीनों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं उनमें से एजुकेशन सिस्टम की जो रिकंस्ट्रक्शन है वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है सो इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि एजुकेशन एक हाई प्रायोरिटी थी इन फील्ड मार्शल अयूब्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हिम दीज रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट लैंडमार्क ऑफ पाकिस्तान टू ब्रिंग द एजुकेशनल सिस्टम इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट एंड रियालिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ और इसमें कोई शक नहीं कि वाकई ही यह एक लैंडमार्क था कि पहली दफा पाकिस्तान को जो मॉडर्न लाइफ की रियालिटीज हैं और जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनके साथ लाके खड़ा कर देने का उनके मुताबिक डेवलप करने का एक बहुत बड़ा स्टेप था आर टू ऑफ अयूब खान मिलिट्री रिजीम और फिर वो दो एजुकेशनल इंपेरेटिव क्या थे जिनकी बहुत हाई प्रायोरिटी थी पहला नेशनल इंटीग्रेशन एंड होमोजेनाइजेशन, यानी नेशनल इंटीग्रेशन यानी सबको नेशनल तौर पे इंटीग्रेट किया जाए कॉम के तौर पे लोगों को इकट्ठा किया जाए और होमोजनाइजेशन यानी यकसानियत और सबको बराबरी में यकसानियत के एक सांचे के अंदर लेके जाया जाए एक कॉम के तौर पे, एंड देन सेकंड वन इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एकानी एंड सोसाइटी यानी जिदत सोसाइटी के अंदर माशरती तौर पर भी और एकनमी में यानी उसके साथ साथी तरक्की सो हम ये दो बातें देखते हैं कि ये दो बातें आज भी इनकी जरूरत उतनी ही है जितनी उस वक्त थी किसी भी कौम के कौम बनने के लिए उसके अंदर इंटीग्रेशन और होमोजनाइजेशन बहुत जरूरी है और लोगों को लोगों की हैप्पीनेस के लिए लोगों का रहन सहन जो है उसे एक तोजन में और बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ऑफकोर्स इकोनॉमिक और सोशल मॉडर्नाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड in order to achieve these two aims of contemporary times it was essential to erase or at least diminish the pre-modern identities arising from the ethnic caste regional or sectarian belongings or in indo-makasidke hasul ke liene achieve the ke li kischi kiziru tejo ho sakti ye vyehe ke ap kisibitana inko erase kare or diminish kare उन आइडेंटिटीज को जो मॉडर्न टाइम्स से पहले जदीद दौर से पहले की हैं, और फिर उसके अलावा वो कहाँ से आ रही हैं वो कुछ पॉजिटिव नहीं है बल्कि एथनिक कास्ट रीजनल और सेक्टेरियन बिलोंगिंग से यानी फिरका परस्ती से आपके रहने की जगहों से आपके नसब नसब से आपकी जुबान से वो सब आइडेंटिटीज हैं जो डेवलप हुई हैं उनको खत्म करके ही हम नेशनलिज्म और होमोजेनिटी की तरफ आ सकते हैं एंड साइमलटेनियसली टू लूज द होल्ड ऑफ ट्रेडिशन लोकल कल्चर दास्ट एंड दिनिफिक आउट लुक ऑफ पीपल और फिर इसमें देखिए चार पांच बातें और बहुत जरूरी है वो ये है कि एक तो आपने छोड़ना होगा आपने गिरफ्त ढीली करनी होगी ट्रेडिशन्स के ऊपर से लोकल कल्चर्स के ऊपर से जो खास जो के छोटे छोटे कल्चर्स हैं उन्हें मदगम करना होगा एक नेशनल कल्चर के अंदर और फिर जो एलेड अनसाइंटिफिक आउटलुक है लोगों की लोग जिसमें हमें ये नजर आता है कि रैशनलिज्म से और रियलिज्म से दूर हैं और वो चीज जो है वो उनकी शख्सियत में झलक रही है उस सब को पीछे छोड़ना होगा ताकि एक नेशन के तौर पे हम सामने आ सकें